डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप बताइए, ये आज का सीपीआर है, सीपीआर देख के क्या सीन दिख रहा है? वाइडर है, एक्सट्रीमली वाइडर सीपीआर है। अगर हम S1 और R1 के बीच का गैप देखें तो ये गैप भी क्या दिख रहा है? बहुत बड़ा है सर। बहुत बड़ा है मतलब कहीं नहीं जाने वाला मार्केट, ये क्लियर था? Yes, sir. मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, ये क्लियर था? जहां खुला है उसी के आसपास बंद होगा, होगा भी तो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहेगा, दिन भर परेशान करेगा और दिन भर वहीं जाके बंद हो जाएगा। तो हमको मार्केट खुलने के पहले पता था कि नहीं कि एक्सट्रीमली वाइडर सीपीआर है? Yes, sir. है ना, मार्केट खुलने के पहले हमको पता था कि आज बायर का दिन नहीं है। अगर निफ्टी के केस में, निफ्टी के केस में बायर का दिन नहीं है, आज सेलर का दिन है, तो कॉल सेल कर दो, पुट सेल कर दो, दोनों एक साथ सेल कर दो, दोनों में प्रॉफिट होने वाला है। तो हमको मार्केट खुलने के पहले ही पता होता है कि आज हमको बाइंग साइड में नहीं जाना है, निफ्टी में अगर जाना है तो अब देखना है कि निफ्टी में तो ठीक है, हमको समझ में आ गया कि बाइंग साइड में नहीं जाना है। तो आप देख लो, दिन भर मार्केट वैसा ही रहा। अब नेक्स्ट डे आप क्या देख रहे हो, मंडे को क्या होगा? मंडे को कंपेरेटिवली नेरो सीपीआर है और R1 और S1 के बीच में गैप कम है, तो मंडे को ट्रेंडिंग होगा, तो ऑप्शन बायर का दिन होगा, तो उस दिन ऑप्शन बायर को ऑप्शन बाई करना है। उस दिन सेलिंग को चाहो तो अवॉइड कर दो, अगर सेलिंग करना है तो, अगर वो अप ट्रेंड दिख रहा है तो पुट सेलिंग कर दो, और डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो कॉल सेलिंग कर दो। तो सेलर के लिए तो दो ऑप्शन है, और बायर के लिए जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में हमारे सेटअप के हिसाब से जब एंट्री मिल रहा है बाइंग कर लो। तो वो हमको मार्केट खुलने के पहले पता है। तो जब चीजें हमको मार्केट खुलने के पहले पता होता है तो हमारे लिए निर्णय लेना आसान होता है। अब हमको पता है कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आने वाला है, अगर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे निफ्टी में, जैसे आज का केस है, निफ्टी के केस में अगर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे तो हमारा कुल मिला के कुछ अच्छा नहीं हो सकता। या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है तो आप बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड और लोअर बैंड दो को मार्क कर लो, लोअर बैंड पे आया तो आप कॉल बाई कर लो, अपर बैंड पे गया तो पुट बाई कर लो, तो वो एक्सपर्टीज आना चाहिए था। गुड इवनिंग। तो अगर आप, हम बॉलिंजर बैंड भी लगाते हैं तो आप देख लो, लोअर बैंड, लोअर बैंड से अपर बैंड, अपर बैंड से लोअर बैंड, लोअर बैंड से अपर बैंड, अपर बैंड से लोअर बैंड, फिर अपर बैंड। तो जो बॉलिंजर बैंड को फॉलो किया होगा उसको पता था कि आज अगर मुझे ऑप्शन बाई भी करना है तो किस कंडीशन पे बाई करना है। नॉर्मली जैसे जो हमारे ग्रुप के मेंबर है उनको छोड़ दीजिए, जो बाहर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइस बढ़ रहा है बोल के वो बाइंग करते हैं, और जैसी बाइंग करते हैं वैसी मार्केट गिरता है। हमारे ग्रुप के मेंबर को पता है कि अपर बैंड पे गया है, हमको पुट बाई करना है ना कि कॉल बाई करना है, लेकिन 99% लोग क्या है, कॉल बाई करता है, वो प्राइस बढ़ रहा है कॉल बाई कर लो। बट हमको यहाँ पे रिवर्स करना है क्योंकि हमको पता है कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। है ना, मंडे को मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा कि साइडवेज रहेगा? ट्रेंडिंग रहेगा। तो ये हमको अभी से पता है ना, अभी से पता है, इससे बढ़िया सेटअप और क्या हो सकता है। अब रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में क्या सीपीआर था? नेरो सीपीआर था, ट्रेंडिंग होना था। हमारा टारगेट क्या रहता है? R2, S2 नहीं, S2 गिरावट की ओर, ऊपर की ओर, R2, R2 गया ना, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट देखिए, एक भी पॉइंट 0-0 गया है ना, 100%, इसको बोलते हैं 100% एक्यूरेसी। हमको पता है बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग होने वाला है, निफ्टी ट्रेंडिंग नहीं होगा, तो बैंक निफ्टी आपका टारगेट हिट कर गया। जैसे R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया, आपको समझ जाना था R2 तो कंफर्म जाएगा। आप इधर से देख लो, SMA का क्रॉसओवर देख लो, कहां से आपको एंट्री दे दिया है, इसी लेवल से एंट्री दे दिया है ना, यहां तक के लिए एक भी बार क्रॉस किया है क्या नीचे? और 60 के ऊपर गया तो आंख बंद करके भागता है ना। तो सेटअप यहां से, हमको एंट्री यहां से लेना है, यहां पे देख के, यहां से सिर्फ वेरिफिकेशन देख लेना है, हाँ भाई, डबल कॉन्फिडेंस के लिए कि ये जाएगा R2। क्लियर है? यस सर।
अब मंडे को बैंक निफ्टी ज्यादा परफॉर्म करेगा कि निफ्टी ज्यादा परफॉर्म करेगा? निफ्टी। मंडे को निफ्टी में ट्रेड करना है, ठीक है? तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। मार्केट खुलने के पहले हमको क्लैरिटी रहता है करना क्या है ना। तो सेटअप जो हमारा सीपीआर ट्रिक पार्ट वन पार्ट टू है और अभी जो एडवांस वाला बन रहा है, वो तीनों को अगर कंबाइन करोगे तो कब आपको बड़े ट्रेंड मिलना है, कब आपको मीडियम लेवल का ट्रेंड मिलना है और कब आपको ऑप्शन सेलिंग में जाना है जब आपको ट्रेंड नहीं रहेगा या ट्रेंड मिसिंग रहेगा जिस दिन वहीं कंसोलिडेट करने वाला है। तो तीनों कंडीशन हमको मार्केट खुलने के पहले पता होता है। तो जब हमको पहले ही से ही पता है कि आज मूवमेंट नहीं आने वाला है बाइंग साइड में, तो हम या तो सेलिंग में जा सकते हैं, या बाइंग में जाना है तो बाइंग में आपको एग्जैक्टली अपोजिट करना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको वहां पे पुट बाइंग करने के लिए देखना है। तो अपर बैंड बॉलिंजर बैंड का, उसमें वाइडर सीपीआर में सिर्फ बॉलिंजर बैंड काम करेगा, ना आरएसआई काम करेगा, ना एसएमए काम करेगा, ना ईएमए काम करेगा। वाइडर सीपीआर है, आपको पता है ट्रेंडिंग नहीं रहेगा तो आपको अपर बैंड पे पुट बाई करना है, लोअर बैंड पे आए कॉल बाई करना है, उल्टा कर देना है। लेकिन 99% लोग क्या करता है कि ऊपर जा रहा है बोल के कॉल बाई करता है, वहीं से गिर जाता है। अब आप लोग का क्वेश्चन जो भी है, आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने तो पोस्ट पहले लिया था, लेकिन अभी आप जो आपके कह रहे तो हमको मिला कि नहीं मिलेगा वो आप जो देखे। ग्रुप में हो, ग्रुप में हो सर, कभी कभार छोटा मोटा गुरु दक्षिणा दे देना। अब 25,000 का कोर्स होने वाला है तो आप 25,000 नहीं तो 500 रुपया तो दे दोगे ना गुरु दक्षिणा में, वो टैक्स। हाँ हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, आपको टैक्स का बस पैसा दे देना, मैं नहीं चार्ज करूंगा आपसे एक रुपया। वो मिल जाएगा सर, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं आपको दे दूंगा ना। आप लोग निश्चिंत रहिए, जितने लोग पुराने लोग हैं या जो लोग अभी तक ज्वाइन कर लिए हैं उनको दिक्कत नहीं है, जो इस महीने ज्वाइन करेंगे उनको दिक्कत नहीं है, जो नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन करेंगे उनके लिए है हायर चार्जेस, ठीक है? मिलेगा तो ठीक है सर। जी जी जी, जो इस महीने तक एनरोल कर लेंगे उनके लिए क्या रहेगा कि मैं वो मतलब फ्री कर दूंगा, जो 25,000 रुपीस है वो नहीं लेंगे। आपसे ये है कि जो टैक्स का पैसा है, जो छोटा मोटा टैक्स का पैसा है 500-700 रुपये, वो बस ले लेंगे, एक साल के लिए वैलिड कर देंगे उसको, जो लोग अभी से पहले से जुड़े हुए हैं ग्रुप में या इस महीने जुड़ने वाले हैं उतने लोग के लिए। मई, 1 मई से चालू हो जाएगा वो। हाँ ठीक है, सत्यनारायण जी काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार, राम। मैं पूछ रहा था सर, मंगे जैसे अपना फ्यूचर का चार्ट, कौन सा चार्ट देखें, स्पॉट का चार्ट देखें, फ्यूचर का चार्ट देखें? नो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना, ऑप्शन के प्राइसिंग का चार्ट देखना है बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लेते समय। यहाँ से तो आपका एक परसेप्शन बनेगा ना कि इट इज गोइंग टू मूव हायर और लोअर, बट अल्टीमेटली व्हेन यू विल गो फॉर बाइंग कॉल और पुट, दैट टाइम यू हैव टू वेरीफाई इट बाई ऑप्शन चार्ट। तो ऑप्शन चार्ट में क्या दिख रहा था कि ये अगर ये कॉल का प्राइस है, कॉल का प्राइस भी सीपीआर के नीचे है, वाइडर सीपीआर है, और पुट का प्राइस भी सीपीआर के नीचे है और वाइडर सीपीआर है, तो कॉल और पुट दोनों नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे कॉल और पुट के प्राइस पे दिख रहा था ना, ट्रेंडिंग यार सिंपल, ये ऑप्शन का प्राइस देख रहे हो ना, ऑप्शन के प्राइसिंग में आपको वाइडर सीपीआर दिख रहा है कि नेरो सीपीआर दिख रहा है? कौन सा वाले? अरे यार दोनों देख लो ना, 400 का कॉल और 550 का पुट। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब 470 480 चल रहा है तो आप वहां से 70 पॉइंट ऊपर का पुट देख लो और नीचे का 70 पॉइंट नीचे का कॉल देख लो, है ना? तो दोनों में तो दिख रहा है कि बायर का पैसा नहीं बनेगा करके, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। तो कॉल भी सेल कर दो, पुट भी सेल कर दो, स्ट्रेडल बना दो। स्ट्रेडल मतलब होता है एट द मनी का कॉल और पुट दोनों को बेच दो, उसी को स्ट्रेडल बोलते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल। और कॉल और पुट दोनों को बाई कर लो, उसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल, है ना? तो यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना था क्योंकि हमको पता था मार्केट ऊपर नीचे होके कुल मिला के वहीं बंद होगा, तो जिसको सेल करना है वो सेल कर सकता था। हाँ
हाँ इसके बारे में पता नहीं था सर, मैंने कॉल सेव किया, एक कॉल सके तो लास्ट रिपोर्ट सेव किया था ना सर, तो प्रॉफिट डेज का भी निकल गया था, आप तो रिपोर्ट तो बढ़िया दे गया बाद में शाम तक। तो वही बोल रहा हूँ ना, ये आप चार्ट देखते तो आपको क्लियर हो जाता, आप बेचे हो तो होल्ड रखते ना। हाँ सर वो होल्ड नहीं कर पाया, होल्ड करना सीखो, होल्ड नहीं करोगे तो फिर कैसे पैसा बनेगा। वाइडर सीपीआर में तो होल्ड करो जब सेलिंग में हो, बाइंग में हो तो भले आप स्कैल्पिंग कर लो, बाइंग में मैं नहीं बोलता कि आप बहुत बड़ा होल्ड करो, बाइंग में आप जल्दी बुक कर सकते हो, लेकिन सेलिंग में तो आप होल्ड कर सकते हो ना यार, सेलिंग में आपके विपरीत भी चला गया तो कितना पैसा चला जाएगा। ओ बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, अगर आपको मैं बॉलिंजर बैंडी लगा के दिखा देता हूँ ना, बॉलिंजर बैंड आप देख लो, ये लोअर बैंड पे आया है, पुट सेल करने का टाइम था, अपर बैंड गया है, कॉल सेल करना था, फिर लोअर बैंड आया, फिर पुट सेल करना था, फिर अपर बैंड गया, कॉल सेल करना था, फिर लोअर बैंड आया, पुट सेल करना था, फिर अपर बैंड गया, कॉल सेल करना था, कितने बार मौका दिया है। बॉलिंजर बैंड बस लगा देते, आपको पता तो था ऊपर तो जाने वाला है नहीं, जाएगा भी तो वो कुल मिला के प्रीमियम गिर जाएगा, है ना। तो सेलिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वाइडर सीपीआर के केस में सेलिंग करना है, नेरो सीपीआर के केस में आप बाइंग करिए, क्योंकि बड़ा पैसा तो बाइंग से बनेगा, बड़ा पैसा सेलिंग से नहीं बनेगा, बड़ा पैसा आपका बाइंग से बनेगा। राजन पटेल जी काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। हाँ तो सेल करना है ना, कोई सर बड़ा कैंडल नहीं बनाता तो सेल करना है ना, सेल वाले को तो फायदा ही है ना, यहाँ पे आप अगर सेल कर दिए रहते तो 175 का लेवल है और बंद कितने पे हुआ 115, 50 पॉइंट तो मिल गया आपको, या यहाँ पे अगर सेल किए रहते खुलते बराबर में तो ये गया था 208, बंद हुआ 200 पे। हाँ मैं सर सोच रहा था सर कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बने सर किसी लेवल पे तो मैं सेल करूँ। अरे यार सिंपल बोल रहा हूँ ना, बॉलिंजर बैंड फॉलो करो ना, अपर बॉलिंजर बैंड गया कॉल सेल कर दो, लोअर बॉलिंजर बैंड गया पुट सेल कर दो, उसमें बुद्धि क्या लगाना है, मतलब मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेना, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो बोल रहा हूँ उतना ही करना है, अपना लॉजिक लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप करके देख लो, कभी भी अपर बैंड पे गए हैं तो वो सेल करने का अपॉर्चुनिटी देगा कॉल को, क्योंकि 99% लोग क्या करेगा, अरे प्राइस तो सीपीआर के ऊपर निकला है, बुलिश कैंडल बना है, वो कॉल बाय करेगा, हमको तो कॉल सेल करना है ना, हमको अपोजिट जाना है वाइडर सीपीआर में जी। तो 99% लोग लॉस करेगा, वही तो आप कमाओगे ना, कैसे कमाओगे, उनके विपरीत जाके ही कमाओगे ना जी, है ना। ठीक है अगले बार से वो ध्यान रखना है। वाइडर सीपीआर के केस में ही बॉलिंजर बैंड यूज करेंगे, नेरो में नहीं करेंगे, नेरो में कुछ नहीं, सीपीआर देखना है और आरएसआई से वेरीफाई कर लेना, अगर कॉल बाइंग कर रहे हो तो वेरीफाई कर लेना। देवा कृष्णा जी काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। मैं सर नया ज्वाइन किया हूँ। ग्रेट ग्रेट। हाँ हाँ अभी 3 दिन हुआ है सर, और आपका सब सेटअप में फॉलो कर रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ सर। जी जी जी। मैं पूरा प्रैक्टिस करेंगे सर। जी जी जी। उसके बाद अच्छा लग रहा है सर, अब इतना सिंपल तरीका से लर्निंग, मतलब इतना बढ़िया सा टीचिंग भी है जी, तो मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ सर आपका, अभी तक जितना भी वीडियो देखा हूँ जी जी जी, इतना इजीली मतलब समझ में आ रहा है। और सर मुझे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको दिक्कत नहीं है, उनको बस टैक्स का भले 200-500 रुपए लगेगा, जो टैक्स वाला पैसा है वो दे देना, क्योंकि वो मेरे पास नहीं जाता, क्योंकि जो जिस कंपनी से मैंने मोबाइल ऐप डेवलप कराया वो मोबाइल ऐप वाला कंपनी लेता है वो, है ना, तो उसका पैसा उसको देना पड़ेगा, है ना, कोई सुनिए सर। ठीक 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 ठीक। और बाकी मैं तो बोल रहा हूँ यार, आंख बंद करके बोल रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ, कौन बोलता है लॉस होगा, करके देखो जो बोल रहा हूँ वो लॉस होगा ही नहीं,
है ना, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है, कब बड़े प्रॉफिट बनाना है, कब छोटे प्रॉफिट बनाना है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वाइडर सीपीआर में आप बड़े टारगेट लोगे, आप फंसोगे, तुक्का मार के कई बार बन जाएगा कि आपने क्या है कि वाइडर सीपीआर में तुक्का मार दिया कि भाई आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले, उस दिन 2000 क्वांटिटी में ट्रेड कर दिए और तुक्का मार दिए, उस दिन बन गए 1,00,000 रुपया। आप एकदम छाती तान के आ गए कि मैं तो बहुत बड़ा काबिल आदमी हूँ, तो वही डूबने वाला पहला स्टेज है। Yes, है ना, मार्केट तो हाँ वही बोल रहा हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे हमको पता है ना, मंडे को मार्केट ट्रेंडिंग होगा ये अभी मैं मुंह पे बोल रहा हूँ ना, तो कौन बोलेगा और किसके में वो कॉन्फिडेंस है कि मंडे को ट्रेंडिंग होगा, है ना। तो वही है, क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे क्या एक्शन लेना है। मंडे को मैं ऑप्शन बाइंग में जाऊंगा, आज का मेरा ऑप्शन सेलिंग का डे था और बाइंग भी करना है, तो मुझे बाइंग कब करना है, जब सब लोग पॉजिटिव हो जाए उस समय मुझे उल्टा करना है, कॉल के जगह मुझे पुट बाइंग करना है। 99% लोग यहाँ पे कॉल बाई किया होगा जब अपर बैंड पे गया होगा, तो और जो हमारे जो लोग हैं साथी लोग हैं वो यहाँ पे पुट बाई किया होगा, अंतर यही है। तो वही बोल रहा हूँ, कब कौन सा टूल को यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, कब कौन से टूल को यूज करना है। तो सीपीआर हमको ये बता देता है कि कौन सा टूल को कब यूज करना है। Yes, है ना, ये ताकत है हमारे टूल का या हमारे सेटअप का। Yes, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है सर, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस और ये मतलब क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस चाहिए सर। जी जी, वो टाइम लेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, है ना। Yes, जी मैडम, जी मैडम बोलिए सर। जैसे आपने बताया ना पे करना पड़ेगा, जैसे हम पुराने मेंबर थे तो हमको कब पे करना पड़ेगा। अरे छोड़ दीजिए ना, अभी अपडेट नहीं हुआ, जब अपडेट होगा तब वो टैक्स बस पे करना है, आप लोग से कोई फीस नहीं लूंगा मैं, मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए, जो उस कंपनी का है उस कंपनी को टैक्स पे करना है वो आप लोग कर देना उतना, है ना। जो लोग इस महीने तक एनरोल किए हैं या अभी अप्रैल तक एनरोल करेंगे उनके लिए कोई प्राइस एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, उनके लिए जो टैक्स का पैसा जो 200-400-500 रुपये रहेगा वो देना है, बाकी उनके लिए फ्री ही रहेगा। होप आज का सेशन फ्रूटफुल रहा होगा और मैं जो भी आप लोग के डाउट्स थे उसको क्लियर कर पाया होगा। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।